बॉलीवुड के पॉपुलर अभिनेता शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म से डेब्यू करने वाली अभिनेत्री किम शर्मा अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने अफेयर्स और शादी को लेकर चर्चाओं में रही हैं। फिलहाल वो फिल्मी दुनिया से दूर हैं, लेकिन फिर भी एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। किम अपने फैंस के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। अभिनेत्री किम शर्मा का जन्म 21 जनवरी 1980 को महाराष्ट्र में हुआ था। फिल्मों में आने से पहले किम जानी मानी मॉडल रही हैं। साल 2000 में एक्ट्रेस ने फिल्म मोहब्बतें से एक्टिंग की दुनिया में डेब्यू किया था। पहली ही फिल्म ने किम को स्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने करीब 15 फिल्मों में काम किया। हालांकि उनको कुछ खास पहचान नहीं मिल पाई। अभिनेत्री किम शर्मा का नाम पॉपुलर टीम इंडिया के खिलाड़ी युवराज सिंह के साथ भी जुड़ चुका है। युवराज सिंह के साथ अफेयर को लेकर किम ने काफी सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन दोनों का ये रिलेशनशिप ज्यादा देर तक नहीं चल सका। साल 2007 में दोनों का ब्रेकअप हो गया। रिपोर्ट्स के अनुसार युवराज सिंह की मम्मी को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, जिसके चलते दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। ब्रेकअप के बाद एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में बताया था कि युवराज और मेरे बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। इसके बाद किम स्पैनिश बॉयफ्रेंड कार्लोस मार्टिन को डेट करने लगी। दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। दोनों की सगाई तक हो गई थी, लेकिन बाद में ये सगाई टूट गई। स्पैनिश बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद किम ने साल 2010 में केन्या के बिजनेसमैन अली पुंजानी से शादी की। अली किम से शादी के पहले ही शादीशुदा थे और 3 बच्चों के पिता थे। किम से शादी करने के लिए अली ने पहली बीवी को तलाक दे दिया। हालांकि साल 2016 में अली और किम भी एक दूसरे से अलग हो गए, यानी दोनों का तलाक हो गया। तलाक होने के बाद 2017 में किम हर्षवर्धन राणे को डेट कर रही थीं। कुछ समय बाद इन दोनों का भी ब्रेकअप हो गया। खबरों के मुताबिक दोनों में छोटी छोटी बात को लेकर बहुत लड़ाई होती थी। एक दिन ये लड़ाई बड़ी हो गई और दोनों का ब्रेकअप हो गया। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।